जिससे मैं 6 महीने पहले बम्बर पर मिली थी। शुरुआत से 1-2 महीने सब ठीक था, फिर मैंने एक दिन अचानक हमारे फ्यूचर की बात छेड़ दी। उसके बाद जी से मैं कभी भी कमिटमेंट की बात करती जी टॉपिक ही चेंज कर देता। बेसिकली एक कमिटेड रिलेशनशिप की जगह मैं सिचुएशनशिप में आ गई थी। ना तो मैं जी से डायरेक्ट बात कर सकती थी और ना ही मैं उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। मैं सीरियसली उससे बहुत ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए मैंने टैरो रीडर से कंसल्ट करने का सोचा। एनी टाइम एस्ट्रो पर मेरी बात तुलिका जी से हुई, जिन्होंने मुझे टैरो कार्ड के जरिए बताया कि जीव भी मुझे पसंद करता है पर वो अपने पास्ट रिलेशनशिप की वजह से कुछ अनकंफर्टेबल है। पर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आने वाले 2 वीक्स में वो अपने दिल की बात मुझे जरूर बताएगा। अब मेरी लाइफ सिचुएशनशिप से एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो चुकी है, ऑल थैंक्स टू टैरो तुलिका एंड एनी टाइम एस्ट्रो, जिन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी।